गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में बड़ा खुलासा, चार बैंक खातों से मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम। सुरक्षा के लिए आज से सुबह 4 बजे गुपचुप तरीके से एटीएस की टीम अब मुर्तजा को लेकर निकली थी, दूसरी टीम सुबह 9 बजे निकली। गोरखनाथ मंदिर में हमलावर मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन आया सामने, स्लीपर सेल को जोड़ने के लिए बनाया था ऐप। गोरक्षमी टमले के मामले में जांच हुई तेज, प्रदेश के अलग अलग जिलों से 12 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को उठाया गया। मुर्तजा अब्बासी के कमरों से पुलिस को मिली एयरगन, एयरगन में इस्तेमाल होने वाले छर्रे भी बरामद। गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में बड़ा खुलासा, चार बैंक खातों से मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में संभल में एटीएस की टीम ने दी दबिश, जब्त के कई दस्तावेज सूत्रों के हवाले से खबर। मुर्तजा के घर पहुंचे एटीएस की टीम ने 1 घंटे तक पूछताछ की, घर से एक बैग लेकर निकली एटीएस की टीम, एक शख्स को भी हिरासत में लिया। मुर्तजा मामले में बड़ा खुलासा, तलाशी में मुर्तजा के कमरे से मिली आतंकवादियों की डिटेल, पूछताछ के दौरान पुलिस को बड़ी जानकारी मिली। मुर्तजा के लैपटॉप से एटीएस को मिली अहम जानकारी, लैपटॉप में मौजूद सीक्रेट फाइल में किसी खास मेहमान का जिक्र, नेपाल में आने वाला था खास मेहमान, तलाश में जुटी एटीएस। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी, कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प कर रहे हैं पूरा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा बोले, सेवा ही संगठन है, राष्ट्रीयता हमारा मूल मुद्दा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ बड़ा परिवर्तन। 42 साल की हुई भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने फहराया झंडा। बीजेपी मुख्यालय में सभी नेता सांसद केसरिया टोपी पहने नजर आए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी स्थापना दिवस का खास उत्साह मनाया। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस, लखनऊ में सीएम योगी ने पार्टी मुख्यालय पर किया ध्वजारोहण। सीएम योगी ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, हजरतगंज चौराहे तक किया पैदल मार्च। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी का संबोधन, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। दुनिया भर के एक्सपर्ट को चौंकाता है बीजेपी का सफर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता, स्थापना दिवस पर बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी ने राष्ट्र की एकता के लिए किया काम, बीजेपी की सरकार ने आम लोगों के लिए किया भरपूर काम। यूपी में जिला मंडल स्तर पर फहराया गया झंडा, कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। स्थापना दिवस के मौके पर सजाया गया बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी ने स्थापना दिवस को लेकर की भव्य तैयारी, आज से लेकर अंबेडकर जयंती तक चलेगा जश्न। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन आज, नवरात्र के 5वें दिन होती है मां स्कंद माता की पूजा। वाराणसी में मां स्कंद माता के दर्शन करने पहुंचे हजारों भक्त, नवरात्र के 5वें दिन मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ने लगी। मथुरा में नवरात्रि के दिन में लगने वाले एसएमडी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, मां की भक्ति में डूबे भक्त। वाराणसी में श्रद्धालुओं के दल ने काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में श्रृंगार गौरी मंदिर में किया दर्शन पूजा। कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में दिन भर लगा भक्तों का तांता, नवरात्र के मौके पर दूर दूर से दर्शन करने आए भक्त। जालौर में ऐतिहासिक देवी मंदिर में नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन होती है मां के 900 रूपों की पूजा। मिर्जापुर के शक्तिपीठ जगदम्बा के धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता, मां के 9 रूपों की आराधना करने पहुंचे भक्त। गोरखपुर में चैत्र नवरात्र पर तरकुल्हा माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, चारों तरफ गूंज रहे माता के जयकारे। कौशाम्बी में नवरात्र के 5वें दिन मां शीतला देवी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, 51 शक्तिपीठों में शुमार शक्तिपीठ शीतला धाम। रायबरेली के देवी मंदिरों में भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा, नवरात्र के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। यूपी में भूमाफिया के लिए एक और बड़ा झटका, बुलडोजर के बाद डायनामाइट की एंट्री, बड़ी बिल्डिंग गिराने के लिए होगा डायनामाइट का इस्तेमाल। शामली में फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर, सपा विधायक के चाचा के कब्जाई ग्राम सभा की जमीन पर कार्रवाई। यूपी के शामली में पुलिस ने AK-47 के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार, 1300 से भी ज्यादा कारतूस बरामद। शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, 8 बीघा जमीन कराया गया कब्जा मुक्त, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया था मकान। यूपी के हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक, रोज करीब 300 लोगों को बना रहे शिकार, जिला अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने वालों की भीड़। अलीगढ़ में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 70,58,168 रुपए की ठगी को दे चुके हैं अंजाम।
जौनपुर में पुलिस ने चोर गैंग का किया खुलासा, अंतर राज्यीय और अंतर जनपदीय गैंग के चार आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में भीषण आग से करीब 25 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। अलीगढ़ में सड़क न बनने से नाराज लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के दौरान अपने ही वाहन में आग लगाई। इंटर के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बलिया के डीआईओ ब्रजेश मिश्र की अकुश संपत्तियों पर अब ईडी की नजर, ईडी ने शुरू की छानबीन। लखनऊ में हनी ट्रैप में फंसाकर रिटायर्ड अधिकारी से ठगी का मामला आया सामने, खुद को इंस्पेक्टर बताकर अपने सहयोगी के साथ 3,65,000 की ठगी की। मिर्जापुर में छात्र छात्राओं को बांटे गए टैबलेट, कैलहट स्थित महाविद्यालय में ब्लॉक प्रमुख ने बांटे सरकारी टैबलेट। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 126वीं बोर्ड मीटिंग हुई संपन्न, 2022 से इसका प्रतिकरण का 5100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। बदायूं के रामजीत की मड़ैया गांव में लगी भीषण आग, भीषण आग से जलकर खाक हुए 25 घर। चंदौली में संदिग्ध हालत में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, सूचना के बावजूद नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। शावस्ती में भी अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेतों में लगी आग, करीब 50 बीघे फसल जलकर खाक। चंदौली में आग से प्रभावित गेहूं किसानों से मिला सपा डेलीगेशन, सरकार से मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। सहारनपुर जेल के बाहर कैदी का शव रखकर परिजनों ने लगाया जाम, जेल प्रशासन पर इलाज न कराने का आरोप लगाया। जालौन में थोकगला मंडी के बाहर शराब ठेका खोलने के विरोध प्रदर्शन, दुकानदार दुकान बंद कर व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड में भी मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की, दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी, दोबारा सीएम बनने के बाद सीएम धामी का पहला दिल्ली दौरा। देहरादून में आज से आरएसएस का चिंतन शिविर, संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में पहले दिन हुई मीटिंग। पहाड़ों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लग गई है, वैसे वैसे पानी की किल्लत की भी समस्या बढ़ने लग गई है। हरिद्वार में गंगा की तेज धारा में बह गए दो सगे भाई, सूचना पर पहुंचे पुलिस दोनों भाइयों की तलाश में जुटी। जसपुर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, दुकान पहुंची मां को खून से लथपथ पड़ा मिला बेटे का शव। उत्तरकाशी में ग्रामीण बायपास सड़क निर्माण का किया विरोध, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी गांव के नीचे से बायपास सड़क निर्माण पर जता रहे विरोध। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में हरिद्वार में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। नवरात्र के पावन पर्व पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा, देहरादून के सनातन धर्म मंदिर में मां के स्कंद माता रूप की पूजा हो रही। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। दिल्ली में मुस्लिम कर्मचारियों की सुविधा के लिए एनडीएमसी का ऐलान, रमजान के पूरे महीने 4:30 बजे दफ्तर में जा सकते हैं मुस्लिम वर्कर। दिल्ली के बादली में एक घर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने घर में फंसे 8 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दिल्ली के लोगों को लू और गर्मी से राहत, नई मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 6 दिनों तक लोगों को लू और गर्मी से जूझना होगा। लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ राज ठाकरे के अभियान को बीजेपी का समर्थन, बीजेपी नेता मोहन कंबोज का प्रस्ताव, हनुमान चालीसा के लिए मंदिरों को देंगे फ्री लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर एमएनएस का विरोध जारी, मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़े जाने के दौरान हंगामा, हिरासत में कई कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिल्डर संजय बयानी को घर में घुसकर मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान बिल्डर की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के सहयोगियों पर ईडी की कार्रवाई, ईडी ने सत्येंद्र जैन के सहयोगियों की 4,81,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला, बीजेपी पर देश को तोड़ने और ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। पेट्रोल की डीजलों की कीमतों में फिर से लगी आग, आज पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे फिर से बढ़े। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, अंतर्राष्ट्रीय वजहों से तेल के दाम बढ़ रहे, 2 हफ्ते में 5% तेल की कीमत बढ़ी। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी, 24 अप्रैल को दौरा, कश्मीरी पंडितों से भी कर सकते हैं बात। भारत सरकार ने ब्लॉक किए 22 यूट्यूब चैनल, 4 पाकिस्तानी समेत 18 भारतीय यूट्यूब चैनल बंद। आज लॉन्च होगा इतिहास का पहला प्राइवेट स्पेस मिशन। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, दोनों देशों के बीच ट्रेड और टेक्नोलॉजी सहित कई मुद्दों पर होगी बात। इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई, इमरान खान को लग सकता है बड़ा झटका।
पाकिस्तान भी संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को लगाई फटकार, विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न कराने पर लगाई फटकार। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा कि वोटिंग नहीं कराना कानून के खिलाफ। सुनवाई के वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की बड़ी टिप्पणी, कहा कि संविधान के आदेश नेशनल असेंबली के नियमों के ऊपर हैं। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच चुनाव आयोग का बयान, कहा कि अगले 3 महीने तक चुनाव कराना संभव नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में महंगाई चरम पर, इमरान खान ने पाक को महंगाई में डुबो दिया। महंगाई को लेकर पेरू में आपातकाल घोषित, पेरू के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पेरू में भी श्रीलंका जैसे हालात, महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतरे। पेरू में लूट की डर से व्यापारियों ने बाजार बंद किए, पेरू में कई सप्लाई सेंटर ने फूड सप्लाई रोक दी। श्रीलंका में सत्ताधारी पार्टी ने खोया बहुमत, गोटबाया के गठबंधन से 41 सांसद बाहर। रूस और यूक्रेन की जंग का 42वां दिन, रूसी आर्मी की कैलिबर मिसाइल अटैक से दहल गया यूक्रेन। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट, सुबह सुबह राजधानी कीव समेत देश के कई शहरों में बजे चेतावनी वाले सायरन। यूक्रेनी सेना पर चेचन लड़ाकों के हमले, रूस ने चेचन क्षेत्र में नेता कादिरोव ने जारी किया एक और वीडियो। यूक्रेन पर रूस के टीओआर मिसाइल सिस्टम से हमला किया, यूक्रेनी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। दोनस में लगातार कहर बरपा रही है रूसी सेना, दोनस में हुए ताजा हमले से कई जगहों पर लगी आग। एक वीडियो में कछुए ने अपने पीठ पर बकरी को बैठाया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। खेलने के लिए बच्चों ने जमीन से ही बना दिया बिलियर्ड, जमीन में खेलते हुए बच्चे काफी खुश नजर आए। बर्फबारी के बीच खेलते डॉगी, वीडियो को शेयर कर रहे लोग, कह रहे डॉगी को बर्फ पसंद है। मंदिर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल से पहले लगी आग, उसके बाद हुआ जोरदार धमाका, वीडियो हो रहा वायरल। मोबाइल दुकान में जमकर मारपीट, भीड़ में खड़े लोगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, यूपी के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा वीडियो। उज्जैन में महाकाल मंदिर में मारपीट, जमकर चले लाख घुसे, दर्शन करने को लेकर विवाद हुआ। चंडीगढ़ ट्रैफिक कर्मियों और कार चालकों में हाथापाई, पुलिस कर्मियों ने हाथापाई करते वीडियो वायरल हुआ, 2 पुलिसकर्मी निलंबित। फिल्म RRR ने बंपर कमाई की, फिल्म ने अब तक 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, फिल्म की कमाई से पूरी यूनिट काफी खुश। कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में बेटे को जन्म दिया, भारती ने अपनी डिलीवरी से पहले तक का वीडियो बनाया। करीना कपूर की ड्राइवर ने गलती से कैमरामैन को टक्कर मार दी, जिसके बाद करीना का रिएक्शन वायरल हो गया।